आज 2 फरवरी 2020 और इस वक्त हम रवाना हो चुके हैं बेंगलोर के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे सुवर्णभूमि एयरपोर्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है BKK एयरपोर्ट। सुवर्णभूमि एयरपोर्ट बैंकॉक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस वक्त हम लोग एयरपोर्ट के करीब पहुंच चुके हैं। ये एयरपोर्ट बैंकॉक से 31.5 किलोमीटर दूरी में स्थापित है। करीब अगर आप टैक्सी में जाएंगे तो बैंकॉक से इस एयरपोर्ट पहुंचने के लिए आपको 30 से 40 मिनट का ज़रूरत होती है। और इस एयरपोर्ट का 5th फ्लोर में इस वक्त हम लोग चढ़ चुके हैं। ये जो फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर डायरेक्ट आपको 5th फ्लोर में ले आती है। हम अंदर घुस चुके हैं। यहाँ पे आप BKK एयरपोर्ट का नज़ारा दिख सकते हैं। और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं आपका कोई जो इन्फॉर्मेशन, आपका फ्लाइट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं और आप सामान भी ख़रीद सकते हैं यहाँ से। तो ये मेरा फ्लाइट का नंबर है। सो इस गेट पे हमको जाना है अभी। अभी आपके पास जो बचा कुचा बाट है वो एक्सचेंज करा लीजिए इंडियन मनी पे। अभी हम फ्लाइट के अंदर बैठ चुके हैं। ये फ्लाइट कलकत्ता तक जाएगी बैंकॉक से। और अभी हम बाथरूम चलते हैं। बाथरूम के अंदर मैं आया हूँ बाथरूम में आपको दिखाने के लिए कि इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर बाथरूम कैसे होते हैं। तो यहाँ पे टिश्यू पेपर से ही काम चलाना पड़ेगा और यही दिक्कत हुआ था सबसे पहले सुवर्णभूमि जो एयरपोर्ट है, BKK एयरपोर्ट बैंकॉक में, वहाँ पे भी टिश्यू पेपर से ही काम चलाना पड़ता है। हाथ धोने के लिए आपको पानी मिल जाएंगे, उसके लिए कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तीन घंटे के बाद हमें बोर्डिंग पास मिल चुकी है। नेताजी एयरपोर्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट ऑफ कलकत्ता से। हम अभी कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ट्रेवल करेंगे बेंगलोर में। सो यहाँ पे यात्री इंतज़ार कर रहे हैं और फाइनली हम फ्लाइट के अंदर है। और फाइनली हम बेंगलोर में पहुंच गए हैं। ये रहा हमारा इंडियन फ्लैग।